दिन के 11 बजने को है आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं और बीजेपी के नए मुख्यालय के भूमि पूजन के बाद इस वक्त पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नई ताकत दी है, नया सम्मान दिया। रक्षाबंधन का पावन पर्व भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रवर्ती विचार परिवार समाज सशक्त कैसे बने, ये उसके मूलभूत तत्व में होता है। और देश की राजनीति ने जिस रूप का जिस स्थिति को पहुंची है, देश की ताकत बढ़ते बढ़ते विघ्न संतोषी लोगों की भी हरकतें जरा बढ़ती हैं, ऐसे समय समाज और अधिक सशक्त बने, समाज और समरस बने, हर कोई हर किसी की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करें, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में अनुशासन का पालन करें, अपनेपन का दायरा नित्य निरंतर विस्तृत करते चले, सबको साथ लेकर के चलना, हर किसी के लिए कुछ न कुछ करना, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को जी करके दिखाना, इस संकल्प से हम सब प्रतिबद्ध लोग हैं। और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उस पवित्र भाव को हम अपने में संजो करके राष्ट्र निर्माण, यह हमारी प्राथमिकता है। और राष्ट्र निर्माण के अंदर व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता होती है। ये कार्यालय भी राष्ट्र निर्माण का हमारा जो सपना है उसके लिए आवश्यक जो व्यवस्थाओं विकसित करनी है उन व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है, और जिसे हमें आधुनिकता के रंग से रंगा है। मैं पार्टी की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये काम को अचानक नहीं हुआ होगा, लंबे समय से चर्चाएं चली होगी, आवश्यकताओं का विचार हुआ होगा, भविष्य में क्या जरूरत पड़ेगी इसका अंदाज किया गया होगा, रिसोर्स की क्या स्थिति है उस पर सोचा गया होगा, और आने वाले कई वर्षों तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सारी बातें सोच करके इसकी रचना की गई है। मैं इस कार्य के लिए टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी शायद हिंदुस्तान में अकेली पार्टी ऐसी होगी, जो पंडित लोग हैं उनको मैं चाहूंगा वो रिसर्च करें कि जिसमें किसी दल को जन्म से लेकर जीवन भर विपरीत प्रवाहों का ही सामना करना पड़ा हो, हर मोड़ पर मुसीबतें झेलनी पड़ी हो, हर प्रयास को बुरी नजर से देखा गया होगा, परखा गया होगा, और इसलिए शायद अंग्रेजों के जमाने में भी कांग्रेस पार्टी को इतने विपरीत प्रवाह से गुजरना नहीं पड़ा होगा जितना हमें पिछले 50-60 साल तक लक्षावधि कार्यकर्ताओं को गुजरना पड़ा।
हमारे पूर्व के साथी इस प्रकार से अपमानित हुए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कई स्थानों पर एक दफ्तर चाहिए, दफ्तर ऑफिस खोलने के लिए किराए पर, और किसी को पता चले कि दफ्तर मिलने वाला है तो उसकी बेचारी की मुसीबत आ जाती थी। अभी कल बंगाल में चुनाव हुआ, कलकत्ते में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर कोई ऑफिस खोलने के लिए देता था तो उसकी बेचारी का जीना मुश्किल कर दिया जाता था। शायद हिंदुस्तान में आजादी के बाद किसी एक दल ने जितने बलिदान दिए हैं शायद किसी राजनीतिक दल ने इतने बलिदान नहीं दिए। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वे उस राजनीतिक चिंतन से जुड़े हुए नहीं थे जो भारत में व्यापक रूप से प्रचारित था। ये बलिदान कम नहीं है और इसलिए हम सरकार में हो या संगठन में हो हर कदम पर इन 50-60 साल की त्याग तपस्या, बलिदान, लक्षावधि कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ, चार चार पीढ़ी का समर्पण हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है। जीवन में मूल्यों को बनाए रखने के लिए वो हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। उसी से प्रेरणा लेकर के हम काम कर रहे हैं और इसलिए ये कार्यालय का निर्माण सिर्फ इमारत नहीं है, उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं के पसीने की उसमें महक है। ये ईंट पत्थर से बनने वाला कार्यालय नहीं है, ये लक्षावधि कार्यकर्ताओं के तपस्या का एक तपोभूमि के रूप में उभर करके आ रहा है और इसलिए इसकी पवित्रता, इस भवन का समर्पण भाव सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हितों के लिए समर्पित रहेगा। और इसलिए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जिस दल के पास 11 करोड़ सदस्य संख्या हो तब वैचारिक प्रशिक्षण, कार्य का प्रशिक्षण, कार्य संस्कृति का प्रशिक्षण ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है क्योंकि हम भीड़ नहीं, संगठन के लिए लोग काम करने वाले लोग हैं। भीड़ तो कोई भी ऐसा लोग लुभावनी बात कर दो भीड़ तो मिल जाती है, लेकिन हर कठिनाइयों में टिकने की ताकत वैचारिक अधिष्ठान से मिलती है। कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने की कार्य संस्कृति से मिलती है। एक वक्त था जब जन आंदोलन बहुत हुआ करते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को महीनों तक जेलों में रहना पड़ता था, साथ साथ जीने का, साथ साथ काम करने का, साथ साथ दौरे करने का एक सहज अवसर होता था और उसके कारण हमारी कार्य संस्कृति का संक्रमण सहज होता था। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी कार्य संस्कृति को सुप्रत करके जाती थी। अगर कुशाभाव के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला
तो कुशाभाव की कार्यशैली को सीखने समझने के लिए मेरे लिए बड़ी सहजता थी। अगर भंडारी जी के साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला तो भंडारी जी की कार्यशैली क्या थी, किन बातों की प्रायोरिटी थी, उसको समझने का मुझे सहज अवसर मिला था। आज हमें उस अवसर को खोना नहीं है, उसको और अधिक गहरा करने की आवश्यकता है और अधिक जीवंत करने की आवश्यकता है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों की स्पर्धा का विषय मात्र नहीं है, वो चुनाव में करना है करेंगे, लेकिन विश्व के सामने, लोकतांत्रिक देशों के सामने, लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन क्या होता है, परिवारवाद से मुक्त संगठन क्या होता है, आदर्शों से समर्पित संगठन क्या होता है, स्व से लेकर के समष्टि तक की यात्रा करने के लिए कार्यकर्ताओं की श्रृंखला कैसे काम करती है, इसका एक उत्तम उदाहरण दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत करना चाहिए, लोकतांत्रिक देशों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। हमारे विषय में लोगों को परिचय बहुत कम है, दुनिया हमारे विषय में जो जानती है, जो औरों ने हमारे लिए कहा है उसके रूप में जानती है। जसभाएं 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, एसवीडी की पहली बार कांग्रेस के बाहर निकल करके सरकारें बनना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में एसवीडी की सरकार बनी, जनसंघ का नेतृत्व रहा, तो दुनिया के कई देशों को अचरज हुआ था कि ये लोग सत्ता तक कैसे पहुंच गए, ये कौन लोग हैं, क्या तौर तरीका है। और मुझे उन समय बराबर याद है, एक विद्यार्थी के रूप में मेरा जीवन था, मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका की अच्छी अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस बात पर स्टडी करने पर लग गई थी कि आखिर ये जनसंघ है क्या,